नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, यहाँ पे डेवलपमेंट रेस्ट ऑफ इंडिया के मुकाबले थोड़ी कम रही। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और रेल नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है जैसा कि बाकी इंडियन स्टेट्स में है, क्योंकि ये रीजन हिमालय की पूर्वांचल रेंज यानी कि ईस्टर्न माउंटेन्स में आता है। इसी के साथ ये स्टेट्स स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सभी स्टेट्स बॉर्डर के आसपास हैं। इसी वजह से यहाँ पे रोड और रेल नेटवर्क का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय रेलवे कई नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को बनाकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, और अब मणिपुर और मिजोरम के बीच में नई रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे मणिपुर में बन रहे ज़िरीबाम इम्फाल नए रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। 2003-04 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया था। उसके बाद 2008 में इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन का काम 2013 में स्टार्ट हो गया और इसकी डेडलाइन रखी गई दिसंबर 2014। अर्लियर प्लान इसका था इम्फाल तक, लेकिन उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया मोरेह तक, जो कि एक ट्रेडिंग सेंटर है मणिपुर म्यांमार बॉर्डर पे। इस पूरी रेलवे लाइन की बात करें तो इसकी लेंथ होने वाली है 111 किलोमीटर की, जिसके अंदर 11 स्टेशन्स, 52 टनल्स, 11 मेजर और 129 माइनर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। इसी रेलवे लाइन के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा पायर रेलवे ब्रिज भी आता है, जिसमें इस ब्रिज का पायर 141 मीटर ऊंचा है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 14,322 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को 92% तक कंप्लीट किया जा चुका है। इसके अंदर बन रहे 52 टनल्स में से 48 टनलों का काम पूरा हो चुका है। 11 मेजर ब्रिजेस में से 7 ब्रिजेस का सबस्ट्रक्चर और 5 ब्रिजेस का सुपर स्ट्रक्चर बना दिया जा चुका है। 129 माइनर ब्रिजेस में से 110 ब्रिजेस का काम पूरा हो चुका है, और इसके अंदर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा पायर रेलवे ब्रिज का काम भी कंप्लीशन पे है। इसको जल्द ही बना के तैयार कर दिया जाएगा। इस रेलवे लाइन के अंदर सबसे लंबा टनल होगा टनल 12, जिसकी लंबाई होगी 11.55 किलोमीटर की। इस रेलवे लाइन में बन रहे 11 रेलवे स्टेशनों में से 6 रेलवे स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है। इसके अंदर जो 11 स्टेशन बनाए जाएंगे वो होंगे ज़िरीबाम, बंगाई चुंग पाओ, रानी गाई दिनल्यू, कामिरोंग, थिंगो, होंगसांग, अवंगखुल, नोने, तुपुल, हानचंग और इम्फाल। दोस्तों, मैंने आपको बताया ज़िरीबाम इम्फाल लाइन को मोहरे तक एक्सटेंड किया जाएगा, जो कि होगा इम्फाल मोरे कले लाइन, और ये लाइन ट्रांस एशियन रेलवे का एक पार्ट होगी। ट्रांस एशियन रेलवे प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के अंडर आता है, जिसके अंदर एशिया और यूरोप के बीच में फ्राइट रेलवे नेटवर्क को इंटीग्रेट करना है। और इम्फाल मोरे कले लाइन जो कि एक्सटेंडेड लाइन है, वो इसी ट्रांस एशियन रेलवे प्रोजेक्ट का एक पार्ट होगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को कुछ फेसेस में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर फर्स्ट फेज में ट्रेन चल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 27 जनवरी को फर्स्ट एवर गुड्स ट्रेन रानी गिडिनल्यू रेलवे स्टेशन तक पहुंची थी। ये रेलवे लाइन मणिपुर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मणिपुर की पॉपुलेशन 70% इम्फाल में रहती है, और जब ये रेलवे लाइन बन जाएगी तो ये रेलवे लाइन लाइफ लाइन बन जाएगी इम्फाल की। यहाँ पे जो टाइम 10 से 12 घंटे लग जाता है, वो टाइम रेलवे 2.5 घंटे का कर देगी, जिसके कारण जहाँ पे जो फार्मर्स हैं जो कि वेजिटेबल्स कल्टीवेट करते हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और जहाँ पे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। ये प्रोजेक्ट 92% तक कंप्लीट हो चुका है और इसकी डेडलाइन दिसंबर 2023 तक रखी गई है, और गवर्नमेंट ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट की हर एक स्टेट को रेस्ट ऑफ इंडिया के रेल नेटवर्क के साथ जोड़ना चाहती है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करके आप जो जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो। मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।